3 साल बाद सही टेस्ट में विराट कोहली के बल्ले से शतक आ ही गया है। विराट अब उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि हर मैच में वो कोई ना कोई रिकॉर्ड बना ही देते हैं, लेकिन जब शतक लगा हो तो रिकॉर्ड की झड़ी लगना तय है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4th मैच में कोहली ने अपने क्रिकेट करियर का 75वां शतक पूरा किया। 75 शतक लगाना अपने आप में ही कोहली को महान क्रिकेटर बना देता है, लेकिन इसी शतक के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तेंदुलकर ने 566 इनिंग्स खेलकर 75 शतक लगाए थे, जबकि कोहली ने ये कारनामा करने के लिए 552 इनिंग्स ही खेली हैं। गावस्कर की भी बराबरी कर ली है कोहली ने। देश की धरती पर आज कोहली अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। 50वें टेस्ट में कोहली ने शतक लगाया। शतक लगाते ही कोहली ने गावस्कर के एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लगभग 40 साल पहले गावस्कर ने भारत में अपना 50वां टेस्ट खेला था। गावस्कर ने भी उस टेस्ट मैच में शतक लगाया था। इस शतक के साथ भारत की जमीन पर कोहली के शतकों की संख्या 13 हो गई है। किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा ये दूसरे सबसे ज़्यादा शतक हैं। कोहली से आगे सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने देश में 14 शतक लगाए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतकों की बात करें तो कोहली ने गावस्कर की एक बार फिर से बराबरी कर ली। कंगारुओं के खिलाफ कोहली का ये 8वां शतक था टेस्ट क्रिकेट में। गावस्कर ने भी इतने ही शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकों के मामले में कोहली से आगे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। 4th टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली 186 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ कोहली ने अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का अब तक सर्वाधिक स्कोर 169 रन का था। कोहली ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, यानी अब उनका हाईएस्ट स्कोर ज़्यादा है। कोहली ने वो रिकॉर्ड 169 रन का रिकॉर्ड मेलबोर्न में बनाया था। अब मैच में क्या हो रहा है ये जान लीजिए। विराट की सेंचुरी और अक्षर पटेल की शानदार बैटिंग की मदद से भारत ने 550 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। दिन की शुरुआत में रविंद्र जडेजा 309 रन पर आउट हो गए थे। टॉड मर्फी ने उन्हें आउट किया था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज शिखर भरत ने विराट का साथ निभाया था। भरत ने 44 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ साझेदारी बनाई। 79 रन पर अक्षर को स्टार्क ने आउट कर दिया। भारत ने 571 रन बना लिए हैं। भारत ने 91 रन की लीड ले ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 4th दिन का खेल खत्म होने तक 3 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है। 5वें दिन इंडियन बॉलर्स क्या कमाल करते हैं ये देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और आप फिलहाल ललन टॉक स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर खबर मिल जाती है। इसके साथ साथ हम आपके लिए विमेंस आईपीएल और बाकी स्पोर्ट्स की भी कवरेज बनाए रखते हैं। विमेंस आईपीएल की बात हो ही रही है तो एक खास चीज़ जान लीजिए। हमने हाल ही में इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का एक बहुत खास इंटरव्यू किया है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए। एक और खास इंटरव्यू आपको हमारे चैनल पर मिलेगा बीसीसीआई के पूर्व सेलेक्टर का। उन्होंने हमें सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, युवराज सिंह सबसे जुड़े बेहद दिलचस्प किस्से सुनाए हैं। आप वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।